घर बैठे अपना मनपसंद खाना मंगवाइए, फोन लगाइए, खाना मंगवाइए। मोबाइल संख्या 8884400657353777765। तो आज ही संपर्क कीजिए। कोविड 19 के लॉकडाउन के चलते आज 18वां दिन है। भारत देश पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ है। इसके चलते कई स्वयं संगठन हो या सरकार की तरफ से हो या महानगर पालिका की तरफ से हो, किसी न किसी हालत में गरीब लोगों तक उनकी सहायता की जा रही है। इसी तरह आज जामिया मस्जिद रोड AHB ग्रुप के जानिब से आज तकरीबन 250 ये खाने का अनाज का एक एक किट बनाया गया है। 250 किट बनाए गए जिनका मकसद सिर्फ कोई भी गरीब आदमी भूखा ना सो सके, इसी को लेकर AHB ग्रुप के नौजवानों ने 250 किट तैयार किए हैं। और इसके साथ जो तरकारी है, तरकारी के भी किट अलग यहाँ पर अलग बनाए गए हैं। तो ये इनकी कोशिश चल रही है कि जामिया मस्जिद मोहल्ला अताउल्ला चौक से लेकर हकीम चौक पहलवान गली तक यहाँ पर जो है काफ़ी गरीब लोग हैं जो ऑटो रिक्शा और टांगा ऑटो रिक्शा और डेली वेजेस पर काम कर कर अपना घर चलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और ये लॉकडाउन आगे भी बढ़ने की संभावना है। इसी को लेकर, इसी गरीब की भूख को महसूस करते हुए AHB ग्रुप वालों ने ये किट तैयार किए हैं। आइए जिम्मेदार से बात करते हैं। कितने किट बनाए हैं? ये 250 किट बनाए हैं। कितने किलो का एक किट है? एक किट 15 किलो का है। क्या क्या है इसमें? दाल, आटा और चावल और तेल और चाय पत्ती, शक्कर और उसी के साथ ये तरकारी का भी इंतज़ाम किया गया है। और नमक वगैरह और थोड़े चीज़ हैं मसाले की, अलग की। ये किट आप उन गरीब लोगों के घर घर तक जाकर पहुंचा रहे हैं? हाँ, घर घर तक जाकर पहुंचा रहे हैं। और ये जो कोरोना का जो हिंदुस्तान में जो चला हुआ है, ये बहुत भयानक और बहुत डेंजर बीमारी है। इसीलिए गरीब लोग बहुत परेशान हैं इससे से। वो परेशानियों को जितना हो सके हम उतना मदद करने की कोशिश करें। गरीब और ज़रूरतमंदों को ये किट पहुँचाया जा रहा है। इंशाल्लाह एक 10 से 12 दिन हो गया इस काम के लिए अंजाम दे रहे हैं। और AHB सोशल ग्रुप के हमारे जितने भी भाई हैं और दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जितना हो सके हमारे फैमिली से उतना हम इसको खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आपसे मैं विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ आप भाइयों से, आप बुज़ुर्गों से, जितना हो सके आप उतना गरीब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। और बहुत बीजापुर में बहुत परेशान हैं लोग, आप जिम्मेदारी के साथ वहां पर पहुंचिए। आप जितना हो सके कुछ ना कुछ देने का आप एक छोटा सा तोहफा समझ कर दीजिए। मैं नासिर नागरवोड़ी, बड़ी कमान। ये AHB ग्रुप नासिर नागरवोड़ी ये बहुत अच्छा इंतज़ाम करे हैं, क्योंकि ये खास ज़रूरत है अनाज की। पैसा हर कोई देता है लेकिन अनाज मिलना मुश्किल है, क्योंकि पूरा भारत बंद है। इसी साथ ही साथ यहाँ बीजापुर की भी गरीबी अस्थिर है, क्योंकि बड़ी कमान से लेकर अतौला चौक, आसर मोहल्ला, गुलाम मस्जिद गली, बूरी शेड चार, इधर अतराफ हम नज़र डालेंगे तो बहुत सारे गरीब लोग डेली विजिस के अंदर काम करते हैं, सेंटरिंग का काम करते हैं, ऐसा ही दूसरे छोटे छोटे कामों में लगे रहते हैं। उनका घर चलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये सोचकर ये नासिर नागरबोड़ी और ये AHB ग्रुप के लोग जमकर एक बात कर लेकर ये किट तैयार करे हैं और ये घर घर जाकर देकर अपना शौक कमा रहे हैं। इसी तरह बीजापुर के अंदर जहाँ भी ऐसा मौका है अपने तौर पर जमा करिए और अपने अड़ोस पड़ोस लोगों को पहला दीजिए और साथ ही साथ दूर नज़र दौड़ाइए, वहाँ पर भी आपको लोग मिलते रहेंगे और आप उसको तकसीम करते जाइए और किसी का नाम मत बताइए।
ये नाम बताने से लेने वाला कितराता है, नाराज़ होता है, कल के दिन वो नाराज़ी से नीचे मुड़ी करता है। इसीलिए कोई भी दे रहे हैं तो अपना नाम मत जाहिर करिए, और यही मैं बात करना है। और ये बीमारी से बचने के लिए सब मिलकर इसका क्या है करना चाहिए, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, और हमेशा पाक पाकीज़े रहना है। इसी तरह हम पुलिस डिपार्टमेंट से हम देख रहे हैं बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं, इसी तरह ये व्यू चैनल हो, जिससे जो भी लोकल चैनल बहुत अच्छा पैगाम दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, इनका भी हमें शुक्र अदा करते हैं। क्योंकि बीमारी से बचने के लिए पाक और साफ अपने हाथ बार बार धोइए, और अपने नाक चेहरे के ऊपर मास्क बांधिए, और इसका बहुत बहुत कुछ ये बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा है। जैसा कि अमेरिका जो आज बैठ गया है, इटली बैठ गया है, रशिया, चाइना, ये चाइना से तो निकली हुई बीमारी है, वो चाइना वाले भी क्या हैं बहुत तरस रहे हैं, इसी तरीके से हमारे मुल्क में भी ये बीमारी, इसके दुआ कर रहे हैं कि मुल्क से हमें क्या बीमारी से एकदम फारिग हो और बीमारी चले जाए, किसी को भी मत आए, ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसीलिए हमें क्या है पाक पाकीज़गी को हम अपनाइए, और 5 वक्त नमाज पढ़िए, अल्लाह से गिड़गिड़ाकर हमें दुआ करना चाहिए, क्योंकि अब अनकरीब रमज़ान आने वाला है। ये रमज़ान के लिए भी हमें खुश होकर अपने अपने घरों में, जैसा हम ये बोर्ड वक्फ बोर्ड वाले की नसीहत के मुताबिक हमें देख रहे हैं कि अपने मस्जिदों को छोड़कर अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। अपने घरों में इबादत करिए, और अपने बच्चों के साथ रहकर दुआ करिए कि ये कोरोना वाले बीमारी जो है जल्द से जल्द हिंदुस्तान से जल कर चले जाए, क्योंकि आइस तभी दूसरे मुल्कों में नहीं, यहीं पर जल कर ख़त्म हो जाए। ये इतना कहकर मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। फयाज़ अहमद गोगी। तो AHB सोशल ग्रुप बड़ी कमान जो हैदर मस्जिद के इहाते में आता है, तो उन्होंने आज बहुत ही एक अच्छा काम किया है। बिना मज़हब व मिल्लत आपने जो है लोगों को यहाँ पर खाने का सामान मुहैया कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आपने इनके एक मेम्बर ने बताई कि आप जब मदद कर रहे हैं तो उस गरीब का मजाक मत उड़ाइए, और उस गरीब के साथ फ़ोटो खींच कर सोशल मीडिया में मत डालिए। उसकी तो मजबूरी है, पता नहीं आपकी कौन सी मजबूरी है जो सोशल मीडिया पर आप इस तरह का बर्ताव ना करें। ख़ासकर इस बात का ख्याल रखें, और कोरोना वायरस को हराना है तो सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखना है, बार बार हाथ धोना है, और जो प्रशासन हमें ऑर्डर दे रहा है, जो प्रशासन इस कोरोना वायरस को हराने में जुड़ा हुआ है, उसकी सलाह को हम ज़रूर माने। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।